आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं देश दुनिया की ये बड़ी खबरें। पंजाब के जालंधर जिले के फिलौर के नजदीक गांव नगल के आगे एक गाड़ी छीनने की खबर जोर पकड़ गई। आपको बता दें कि कार चालक ने नगल गेट के आगे खड़े होकर 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी कि उनकी गाड़ी छीनकर कोई फरार हो गया। बताते चले कि थाना फिलौर के SHO संजीव कपूर अपनी पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच आरंभ की तो मामला कुछ और ही निकला। बता दें कि दरअसल स्कॉर्पियो गाड़ी की हल्की सी टक्कर से शादी समारोह से लौट रहे रेंज रोवर गाड़ी की खरोंच आ गई, जिससे रेंज रोवर सवार को आपत्ति हुई और इसी कहासुनी में स्कॉर्पियो गाड़ी ले जाने की बात सामने आ रही है। बता दें कि गाड़ी बरामद पुलिस ने कर ली है और गहराई से छानबीन में जुट चुकी है। बहरहाल मामले सी कहासुनी और उसके बाद वाद विवाद का यह दौर निश्चित रूप से समाज के लिए चिंतनीय है। सर पता लगा सी एक गन्नाबिंड रोड तो गड्डी दी खो हुई हैगी है, तुसी भी मौके ते मौजूद आए हैगे आ, गड्डी भी बरामद होगी। सर की सारा मामला सी है? अज एक सुबह तक एक कॉल रिसीव हुई सी कि एक कोई एक गड्डी की स्नैचिंग इंसीडेंट होया मंगल गेट के कोल जी, जिसके मौके तक कॉल की थी। एक कंप्लेनर जिसने एक सुबह तक कॉल की थी उसने रब्ता करते कहा सामने कि गड्डी का एक्सीडेंट हुआ थी, जिसके दूजी तरफ जो रेंज रोवर थी जिन्हें कि उसकी गड्डी ने फोर्सफुली अपने नाल पुआधेड़ पिंड लै गए, जिसों गड्डी बरामद कर रही है। अगली कार्रवाई जा रही है। जालंधर से लौटकर रमन बहल की रिपोर्ट।